कट्टा दिखाकर लूटने वाला पवन साहू पकड़ाया। मोरवा क्षेत्र के चटका बस्ती शराब दुकान पर किए थे वारदात। आपराधिक मामला दर्ज, कट्टा कारतूस बाइक नकदी बरामद, एक फरार। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र के चटका बस्ती स्थित अंग्रेजी शराब दुकान पर बुधवार रात 11 बजे कट्टे के नोक पर मारपीट करते हुए 1.5 लाख रुपए लूटने वाले लुटेरों में एक को पुलिस ने अंततः ढूंढ निकाला। लुटेरों के कब्जे से नकदी बाइक व कट्टा कारतूस जब्त करते हुए आपराधिक मामला दर्ज कर चालान किया गया है। एसपी अभिजीत रंजन व एसपी प्रदीप शेंडे के मार्गदर्शन में टीआई नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई सघन छानबीन में फरार पंकज साहू निवासी पचखोरा बैढ़न को नकदी बाइक व असले कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 1 तारीख के रात में चटका शराब दुकान में लूट की घटना हुई थी, जिसमें से पुलिस ने मुकदमा जो है कायम किया था लूट का। मोरवा थाना से उसकी विवेचना टीआई साहब ने जो किया है, और विवेचना के दौरान आरोपी पंकज कुमार साहू को 5 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उसे न्यायालय रिमांड में भेजा गया, जहां से जेल है। उसका एक साथी भैरव साहू अभी भी फरार है। आरोपी के कब्जे से लूट की जो रकम, एक देसी रिवॉल्वर और 4 नग जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं, जिस संबंध में 25-27 आर्मसेट का लूट के साथ में इजाफा जो किया गया है। आरोपी वर्तमान में जो जेल में है, विवेचना चल रही है।